डिलीवरी के बाद एग्जैक्टली क्या खाना खाना चाहिए ताकि हमारा ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छे से सेट हो जाए हमारा स्टिचेस का हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाए और हमारा रिकवरी भी बहुत फास्ट हो जाए सो so, ये कुछ बेसिक टिप्स हम लोग आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं प्लीज़ इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना दैट्स अबाउट सीजारियन के बाद मतलब सी सेक्शन के बाद पहले चार दिन का डाइट क्या होना चाहिए बिकॉज़ वो चार होता है सो देर आर नो चेंजेस आफ्टर दैट सो सीजर के केस में फोर्थ डे के बाद का डाइट कैसे रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी के केस में सेम डे से डायट कैसे रहेगा कुछ बहुत सिंपल और बेसिक चीज़ें यू कैन ईट एवरी थिंग स्पेशली कौन सी चीज़ें खानी चाहिए आपको डार्क लीफी वेजिटेबल्स बहुत सारे खाने हैं बिकॉज आपका बहुत ब्लीडिंग होता है ब्लीडिंग की वजह से आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होने की पॉसिबिलिटी होती है आपको बहुत थकान होता है उसकी वजह से तो लीफी वेजिटेबल खाने से आपका आयरन का बैकअप भी बढ़ता है और आपका रिकवरी भी फास्ट होगा सो दैट्स अबाउट लीफी वेजिटेबल्स बहुत सारे खाओ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जिसमें से आ गया मेथी मतलब मेथी की लीफी वेजिटेबल शेपू की सब्जी और ड्रम स्टिक्स सो मेथी एंड शेपू कम्स इन लीफी वेजिटेबल एंड ड्रम स्टिक्स एज अ वेजिटेबल ये तीन चीज़ें आपके डाइट में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए प्रीफरेबली ऑन एवरी डे बेसिस ये तीन में से कोई एक चीज़ तो भी आपके डाइट में होना चाहिए सेकेंड थिंग जो आपकी डाइट में कंपल्सरी चाहिए वो मतलब दो फ्रूट कोई भी दो फ्रूट संतरा मौसमी चेरीज बेरीज स्ट्रॉबेरीज पेरू कीवी ये सबसे अच्छे फ्रूट्स हैं बिकॉज़ ये विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं यह आपके रिकवरी में हीलिंग में आयन एब्जॉर्बशन में हीमोग्लोबिन मेंटेन करने में और आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मैं हमेशा फ़ैमिली मेम्बर्स को बोलती हूँ कि आप लोग इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाओ दो तो मेथी खिलाओ बाजरे की भाकरी खिलाओ खून बढ़ाने के लिए खिलाओ ताक़त बढ़ाने के लिए खिलाओ बट देर आर लॉट ऑफ न्यूट्रियस वो बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होंगे जब ही बॉडी को विटामिन सी का बैकअप है और हमारे इधर एक बड़ा मिथ है कि अगर आपने डिलीवरी के बाद कुछ भी खट्टा चीज़ खिला दिया तो माँ को सर्दी खांसी हो जाएगी बच्चे को भी सर्दी खांसी हो जाएगी वेयर एज द ट्रुथ इज़ फ्रूट्स स्पेशली वो वाले फ्रूट्स जो विटामिन सी रिच है उनसे दूध का क्वालिटी और दूध का क्वांटिटी दोनों बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है सो दैट्स गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू आउट तीसरा चीज़ जो आपके डाइट में पक्का होना चाहिए अगर आप लोग नॉनवेज खाते हो तो आपके एवरीडे डाइट में अंडा होना चाहिए अंडा इज होल एग विथ येलो ऑमलेट खाओ बॉइल्ड खाओ क्रम्बल्ड खाओ कैसे भी खाओ uh, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो एक ये हाफ ही खाना बट दैट्स समथिंग विच विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर हीलिंग एंड रिकवरी एंड प्लस ब्रेस्ट मिल्क फ्लो नेक्स्ट आइटम जो आपके डाइट में कंपल्सरी होना चाहिए इज गार्लिक मतलब लहसुन लहसुन इज अमेजिंग मिल्क बूस्टर लहसुन को लेके एक बहुत कॉमन मिथ है कि अगर आप लहसुन खाते हो तो आपके ब्रेस्ट मिल्क को स्मेल लग जाएगा बिकॉज उसको स्ट्रॉन्ग स्मेल है इट्स अ क्लियर मिथ आइडियली वी से पोस्ट डिलीवरी आप कोई भी चीज़ बनाओ जो मीठा नहीं है उसके तड़के में आपको जीरा मोहरी हींग के साथ लहसुन येलो मेथी के दाने और अजवाइन ये तीनों चीज़ें डालनी है दे विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन मिल्क फ्लो नेक्स्ट चीज़ को आपके डाइट में होना चाहिए इस बादाम अगर आपके फैमिली मेम्बर ने किसी ने लड्डू बना दिए उसमें बहुत सारे बादाम डाल दिए तो अलग स्टोरी है अगर ऐसे किसी फॉर्म में आपके पास बादाम नहीं आया तो एटलीस्ट सिक्स टू सेवन सोक्ड बादाम ओवरनाइट सोक्ड आप सुबह में वो चीज़ें खा सकते हो अगर आपको पसंद है तो प्रिफरेबली छिलके के साथ बिकॉज छिलका इज गुट विटामिन ई तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा नेक्स्ट थिंग जो आपकी वो मतलब गार्डन क्रेस सीड मराठी में उसको आयु बोलते हैं मराठी uh, में उसको आरियो बोलते हैं इंग्लिश में उसको गार्डन क्रेस सीड्स बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा ढूंढने का कोशिश को, कर रही हूँ कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं अब तक मुझे नहीं मिला है तो अगर आप लोग गार्डन प्रेस सीड्स गूगल पे डाल दोगे तो आपको वो सामने आ जाएगा उसका खीर बना सकते हो उसका लड्डू बना सकते हो इट्स एन सुप्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग सो हैव टू गिव यू द क्वांटिटी फर्स्ट सिक्स मंथ्स आफ्टर योर बेबीज बर्थ एटलीस्ट एक से डेढ़ किलो पेट में जाना चाहिए सो एवरी डे बेसिस पे अगर एक बार या दो बार आप उसका खीर बना के ले सकते हो सो so, एक मग दूध उसमें करीब आ, आधा चम्मच गार्डन क्रेस सीड्स उसको उबाल उबाल के आधा मग कर दो उसको नीचे उतारो उसमें शतावरी डाल दो खीर इज रेडी एंड देन यू विल हैव दैट खीर इनफैक्ट किसी के घर में अगर फैमिली बैकअप नहीं है आपको पता नहीं आप गूंद के लड्डू कैसे बनाओगे मेथी के लड्डू कैसे बनाओगे घर वाले तो बहुत कुछ बना के देते हैं बट आई डोंट हैव दैट हेल्प सोटेक गार्डन करे सी खीर टॉइस और बाकी सब चीज़ें जो हम लोग इस वीडियो में फॉलो कर रहे हैं बता रहे हैं दैट यू यू कैन फॉलो इवन दैट विल बी गुड इनफ फॉर यू देन नेक्स्ट थिंग प्रोटीन्स सो दाल छाछ फ्रेश घर का लगाया हुआ दही स्प्राउट्स विच आर बॉइल्ड तो आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी पुराने जमाने में कहते थे कि आप लोग स्प्राउट्स नहीं खा सकते बिकॉज उससे आपको कॉलिक हो सकता है सो so, गैसेस होते हैं स्प्राउट से बट बॉडी का टेंडेंसी होता है बहुत सारे लोगों को नहीं होता है बहुत सारे लोगों को होता है अगर आपको गैसेस होता है तो स्प्राउट्स को एक बॉईल दे दो और फिर खाओ बट इट एड्स टू अ गुड क्वालिटी प्रोटीन टू योर डाइट लास्ट चीज़ पानी आपको पूरा दिन में मिला के एटलीस्ट ढाई से तीन लीटर पानी पीना है जितना पानी पियोगे उतना आपको कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ नहीं उतना होगा उतना डाइजेशन में हेल्प होगा एंड उतना यू विल हैव अ गुड मिल्क फ्लो बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क इज 80 परसेंट वाटर ओनली 20 परसेंट मिल्क तो अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क का फ्लो बहुत अच्छे से रखना है तो आपका वाटर का कंजम्पन बहुत अच्छे से होना चाहिए आपका सीजर डिलीवरी हो नॉर्मल डिलीवरी हो आपके पहले दस दिन पहले दस दिन गर्म पानी पीना है सो इट्स बॉइल्ड वाटर नॉट बॉइल करके ठंडा किया हुआ पानी और 10 दिन के बाद आपको नॉर्मल फिल्टर्ड वाटर लेना है जिसके घर में फिल्टर नहीं है यस yes, उन लोगों को बॉईल करके ठंडा किया हुआ पानी पीना दैट्स ऑलवेज बेटर नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या चीजें आपको कंपलसरी नहीं खाना है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर टाइप ऑफ डिलीवरी टू मच स्पाइसी फूड नहीं खाना है ऑयली फ्राइड फूड नहीं खाना कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते अल्कोहल मॉकटेल्स कॉकटेल्स आर्टिफिशियल ड्रिंक्स कैंड ड्रिंक्स हेवीली लोडेड शुगरी ड्रिंक्स एयरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा कोला टू मच ऑफ कॉफी टू मच ऑफ टी नहीं ले सकते सो so, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है थर्ड चीज़ जो आप लोग नहीं कर सकते या नहीं ले सकते इस एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग आपको स्मोकिंग से दूर रहना है ना, आपके आस पास भी अगर कोई करे तो प्रेफरेबली लीव दैट प्लेस अगर आप खुद स्मोकिंग करते हो तो यू नीड टू अवॉइड इट फॉर एज इफ नाउ The next thing which you should not have is, which is as per the regular myths by our family members, कि हर चीज़ को क्रश करके खाओ रोटी चपाती भाखरी उसको एकदम पतला क्रश करो फिर उसमें बहुत सारा दाल डालो उसको बहुत सारा लिक्विड लिक्विड बनाओ और फिर खाओ That's a complete myth, कोई ज़रूरत नहीं है सो द वे यू शूड कंज्यूम इथ आप अगर कोई भी चीज़ खाते हो तो चपाती चलेगा भाकरी चलेगा बाजरी का भाखरी चलेगा जवार का भाखरी चलेगा खिचड़ी चलेगा राइस चलेगा एवरीथिंग इज अलाउड प्रेफरेबली आपको छोटे छोटे बाइट करके खाना है और बहुत अच्छे से मंच करके खाना है ये वीडियो एंड तक दे, देखते रहना बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ वन डे डाइट कि एक दिन में आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हो और हर टाइमिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन तो ये अगर आप लोग चीज मैनेज कर सकते हो तो यू आर गोइंग टू फील वेरी गुड विथ योर शेड्यूल देर इज वन सीक्रेट टिप जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था पोस्ट डिलीवरी प्रिफरेबली एवरी डे जो भी आप रेगुलर खाना खाते हो ड्राई कोकोनट का छोटा सा पीस और ड्राई डेट्स मतलब खारिक जिसको बोलते हैं वो एक जिसमें से बीज निकाल दिया आपने ये दोनों चीज़ें चबा चबा के प्रीफरेबली दिन में एक या दो बार पक्का खाना यू विल हैव अमेजिंग हेल्थ ऑफ़ योर हेयर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड यू विल रियलाइज दैट सी ऑन द अदर हैंड इट हेल्प्स इन हीमोग्लोबिन इट्स अ वेरी गुड फैट इट हेल्प्स इन स्किन ग्लो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं साइंटिफिकली देर आर ह्यूज बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट्स एज वेल एज ड्राइडट्स बट करेंटली आई एम टॉकिन अबाउट टू एक्चुअली हेल्प यू फॉर योर हेयर ग्रोथ एंड यस द हेर टेक्स्योर एंड इट ऑलमोस्ट गिव यूज पारफिक्टो है अबाउट योर वन डे डाइट आपको क्या लेना है नींद का काफी वाट लगा हुआ है सो आई एम यूर अज्यूमिंग दैट अप्रोक्सीमेटली आप लोग सुबह सात बजे उठ रहे हो अगर बच्चा चार पाँच बजे उठ के भी फीड ले रहा है अगर आपके घर में कंपल्शन नहीं है तो प्रीफरेबली सेवन ओ के आसपास इट्स अ गुड टाइम टू गेट अप सो यूजुअली बहुत सारे घरों में होता है कि हमको उठते ही पहले क्या खाना चाहिए बिकॉज उसके बाद मालिश वाली बाई विल कम मालिश विल स्टार्ट जिनके घर में मालिश वाली बाई नहीं आने वाली है स्टे ट्यून टू माई दिजा यूट्यूब चैनल बिकॉज वी आर गोइंग टू डू वीडियो अबाउट पोस्ट डिलेवरी मदर्स मसाज एंड पोस्ट डिलेवरी बेबीज मसाज सो वी आर गोइंग टू डू दिस वीडियोज बट अभी के लिए अगर बाई आती है डिपेंडिंग आपका जो भी शेड्यूल है प्रीफरेबली आप लोग को उठते ही देट मीन्स अप्रोक्सीमेटली सुबह सात बजे आपको सोक्ट बादाम खाने हैं फाइव टू सेवन के आसपास प्रिफरेबली छिलके के साथ उसके साथ आपको दो अप्रोड लेना है दट्स वॉलट्स सो प्रीफरेबली आपको टू वॉलट्स खाना है वॉलट्स के अगर हाफ हाफ पीसेस आप लोग ले रहे हो तो आपको फोर पीसेस खाना है सो वॉलट कैन ऐड अ लॉट अगर आपको डेट्स पसंद है तो आप एक आधा डेट्स भी ले सकते हो इस टाइमिंग के लिए सो दैट कैन एड अ वेरी गुड एडिशन अगर आपको सुबह उठते ही दूध पसंद है तो आप लोग आधा कप दूध ले सकते हो वितावरी इन इट बिकॉ शतावरी विल अल्सो एड टू योर मिल्क बूस्टर जो लोग माए द्वजा के प्रोडक्ट्स यूज करते हो सो वी हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड एस अष्टांग बूस्टर विच इज़ अ होम मेड शतावरी विथ अस्कन पाउडर तो अब वो आपका बैक पेन भी कम करता है सो यू कैन ट्राई दैट इज अवेलेबल ऑन अमेजॉन अवेलेबल ऑन ऑन डब्ल्यू 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 डॉट माएद्वजा डॉट कॉम सो आप लोग शतावरी डाल के सुबह में दूध ले सकते हो उसके बाद करीब एक या डेढ़ घंटे बाद यूजली इसके बीच में एक बार ब्रेसफीट भी हो जाता है देन यू हैव प्रॉपर ब्रेकफास्ट जो लोग नॉनवेज खाते हो दे विल दे कैन हैव वन बॉइल्ड एग और ऑमलेट फॉर योर ब्रेकफास्ट अगर आपके घर में एग अवेलेबल नहीं है या आप एग नहीं खाते हो तो वॉट यू कैन हैव फॉर ब्रेकफास्ट यू कैन हैव योर रूटीन ब्रेकफास्ट लाइक योर पोहा योर उपमा योर चपाती योर प्लेन पराठा आलू पराठा पनीर पराठा मेथी का थेपला कोतमीर का थेपला अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है तो प्लेन आटा उसमें बहुत सारा कोतमीर उसमें जीरा पाउडर डाल के प्लेन चपाती बना के चाय के साथ खा लो दही के साथ खा लो दैट कैन बी अ वेरी गुड एडिशन आपको ध्यान में रखना है कि योर डाइट इज मस्ट बी अ हाई प्रोटीन डाइट आपका प्रेगनेंसी डाइट हाई प्रोटीन डाइट होता है बेबी के ग्रोथ के लिए पोस्ट डिलीवरी हाई प्रोटीन डाइट चाहिए बिकॉज आपके रिकवरी के लिए और ब्रेस्ट मिल्क के लिए आपको उसका जरूरत है सो ब्रेकफास्ट में अगर अंडा लेते हो तो प्रोटीन हो गया अगर अंडा नहीं लेते हो तो आप दूध ले सकते हो दही ले सकते हो थोड़ा सा स्प्राउट्स का चाट ले सकते हो कोई दाल का आइटम ले सकते हो दाल में प्रीफरेबली पोस्ट डिलीवरी एटलीस्ट फॉर टू मंथ्स हैव ओनली थ्री दाल इट्स मूंग दाल योर ग्रीन मूंग दाल येलो मूंग दाल मसूर दाल एंड उड़द दाल सो ब्लैक उड़द दाल एंड रेगुलर उड़द दाल दिस थ्री विल डू वंडर्स टू योर बॉडी एंड योर हेल्थ सो उसके बदले आपको अगर तूर दाल यूज करना है चना चना दाल तो प्रेफरेबली यूज नहीं करना है तूर दाल आपको काफी कम यूज करना है बिकॉज कॉलिक अगर हो जाता है तो बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है और एसिडिटी भी बढ़ सकता है तो दाल का कोई आइटम बना सकते हो जैसे हमारे घर में हम लोग ऐसा भी करते हैं कि ग्रीन मूंग दाल जो होती है उसको आप मिक्सी में पीस के मतलब थोड़ा सा सेक के उसको मिक्सी में पीस के उसका पाउडर बना के रख दो अगर आप लोग सुबह उठते ही उसको सोक कर देते हो तो दो तीन घंटे बाद उसके बहुत अच्छे से डोसे भी बन सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ स्प्रिंकल कर दो अगर आपके घर में पनीर है थोड़ा सा पनीर किस के अंदर डाल के उसका रैप बना के फिर आप लोग ले सकते हो सो दिस ऑल कैन बी अ वेरी गुड आइडियाज़ फॉर ब्रेकफास्ट श्रेय हम लोग को ये सब चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं है घर में हेल्प नहीं है तो वॉट वी कैन हैव यू कैन हैव सीरियल्स यू कैन हैव कॉर्नफ्लेक्स यू कैन हैव म्यूसली योगा बार का म्यूस्ली होता है दिस वन बेसिकली आई हैव ट्राइड एंड देयर आर ड्राई फ्रूट्स, देयर आर सीड्स इट टेस्ट फेबिलस म्यूस्ली कैन हैव ओट्स कैन हैव कॉर्नफ्लेक्स यू कैन हैव बट ध्यान रखना उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा दूध थोड़े से मिक्स सीड्स ये चीज़ें ऐड करके अगर आप लोग लेते हो तो इट कैन डू लॉट ऑफ हेल्प जो लोग लड्डू वगैरह बनाने वाले कोई नहीं है तो अगर आप अगर मिक्स सीड्स का कंजम्पन रख सको स्पेशली योर फ्लेक्स सीड्स योर पम्पकिन सीड्स योर चिया सीड्स दे कैन डू लॉट ऑफ गुड टू योर पोस्ट डिलीवरी हेल्थ उसके बाद करीब दो से ढाई घंटे बाद ग्यारह बजे के आसपास यू शुड हैव वन होल फ्रूट सो होल फ्रूट में आप लोग क्या स ले सकते हो द वे आईसेड एप्पल पैर पपाया देन यू कैन हैव योर ऑरेंजेस पेरू कीवी जो भी फ्रूट आपको पसंद है बट खाओ फ्रूट से आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा फ्रूट से आपका हीमोग्लोबिन भी बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा तो हैविंग फ्रूट एट दिस टाइम इट्स अ वेरी गुड आइडिया अगर फ्रूट नहीं है घर पे तो विच कैन बी अ गुड ऑप्शन राजगिरे का चिक्की तिल का लड्डू जो मैंने गार्डन क्रेस सीड्स बोले थे उसका खीर दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन एट दिस टाइम मुझे भूख ही नहीं है फिर भी खाना पड़ेगा अगर आप लोग खाते रहोगे तो इट्स ऑलवेज बेटर याद रखना इन बिटवीन एवरी मील एटलीस्ट एटलीस्ट दो से ढाई गिलास पानी आप लोग आप लो आपको एक ग्लास फुल पानी पीना है। और फीड करते पास में स्ट्रॉ ग्लास या स्ट्रॉ की बॉटल कुछ तो भी लेके बैठना है सो so दैट आपको अगर फीड करते प्यास लगे तो आप बीच में पानी पी सकते हो उसके बाद लंच लंच के टाइमिंग पे आपको क्या करना है शाही भोजन शाही भोजन क्या होता है बैलेंस्ड मील सो बैलेंस मील में देर शुड बी वन लिफी वेजिटेबल लाइक मेथी का सब्जी देर कैन बी अ भाकरी और चपाती एंड प्रिफरेबली दाल एंड अ चावल सपोजिटली आपको पॉसिबल नहीं है इतना सब कुछ बनाना तो आप दाल बना सकते हो दाल आ, दाल बनने के बाद उसमें बहुत सारा मेथी फाइनली चॉप्ड करके डाल दो सो इट बिकम्स मेथी की दाल सो so थोड़ा सा थिक के जैसा अगर आपने मेथी का दाल बना दिया तो मेथी का दाल चावल और चपाती ऐसे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है uh, मेरे मदर इन लॉ पालक का दाल बनाते हैं पालक की दाल में ऐड होता है हम लोग तूर दाल डालते हैं बट फॉर दिस वीडियोज सेक यू कैन ऐड मूंग दाल देन uh, पालक के कुछ पत्ते दूधी का एक पीस टोमेटो का एक पीस उसको बॉईल कर दो उसमें हैंड मिक्सी घुमाओ तड़का कर दो योर पालक दाल इज़ रेडी सो यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड अगर प्रोटीन डाइट में चाहिए तो आप uh, मसूर का सब्जी बना सकते हो अक्खा मसूर का मूंग का सब्जी बना सकते हो स्प्राउट का सब्जी बना सकते हो और उसमें लीफी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो या सैलड आपके डाइट में ऐड कर सकते हो सो दैट कैन डू गुड टू योर डाइट इसके साथ आप लोग बटर मिल्क ले सकते हो बट प्रीफरेबली आई सजेस्ट बटर मिल्क साथ में मत लो बटर मिल्क कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन आफ्टर टू आवर्स सो एक बार आपका खाना हो गया फिर डेढ़ दो घंटे बाद जब भी आपको भूख लगता है तभी आप एक गिलास बटर मिल्क ले सकते हो बटर मिल्क ताज़े दही का होना चाहिए प्रिफरेबली घर पर लगाया हुआ दही एंड इट शुड बी फ्रेशली पुट इट मतलब सुबह में जमा हुआ दही आपको दोपहर में खाना है। उसके बाद चार साढ़े चार के आसपास यू कैन हैव योर टी और कॉफ़ी उसके साथ प्रेफरेबली एक मुट्ठी भर के लाही साड़ी की लाही ले सकते हो जवार पफ्स ले सकते हो uh, अगर आपके घर में और कुछ स्नैक्स अवेलेबल है विच इज़ नॉट ऑयली विच इज़ नॉट जंक तो आप लोग वो ले सकते हो वे गुड एडिशन प्रिफरेबली चुरमुरा अवॉइड करना बिकॉज वो कॉलिक मतलब गैसेस दे सकता है उसके बाद शाम को छः बजे इज द बेस्ट टाइम टू तो हैव हाँ सूप हॉट सूप अगर आप लोग कोई भी लेते हो चिकन स्टॉक चलेगा फिश स्टॉक चलेगा मटन स्टॉक चलेगा रेगुलर वेजिटेबल सूप चलेगा वेजिटेबल स्टॉक चलेगा सो so आप एक सूप ले सकते हो गरम गरम टोमेटो uh, सूप कैरेट सूप पालक सूप दे वेरी गुड सूप अगर बनाना का पॉसिबिलिटी नहीं है अभी के लिए देन यू कैन हंड्रेड परसेंट रिलाय ऑन होल फ्रूट या होल वेजिटेबल भी खा सकते हो दैट्स अ गुड एडिशन एट दिस टाइम यू कैन हैव अ स्प्राउट चाट स्प्राउट भील हेल्दी uh, ये सब चीज़ें मिक्स करके मस्त चाट मसाला थोड़ा सा लींबू उम्बू डाल के वो भी खा सकते हैं देन अराउंड एट ओ के आसपास यू विल हैव योर डिनर डिनर गो सेम लाइक योर लंच चपाती भाकरी या चपाती या भाकरी उसके साथ सब्जी दाल एंड चावल जिसके घर में चावल शाम को बनता ही नहीं इट्स ओके यू कैन स्किप चावल एट वन टाइम इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप में से कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट साइड हो तो याद रखना कि आपको चावल बहुत ज़्यादा नहीं खाना है फैट uh, इंटेक क्या होना चाहिए बिकॉज पूरा फैमिली बोलता है जितना आप नॉन प्रेगनेंसी टाइम पे खा सकते खाते थे मतलब दाल चावल के ऊपर का घी चपाती के ऊपर का घी दैट कैन बी अ गुड एडिशन फॉर यू उसके बाद रात में सोते हो मुझे बहुत भूख लगती है तो मुझे क्या लेना चाहिए वन ऑफ द वेरी गुड एडिशन इज गार्डन तरह सीड का खीर जो मैंने बोला था आपको कि गार्डन क्रेस सीड को डाल के उबाल के उसका खीर बनाना है शतावरी डालना है उसको आप रात में ले सकते हो वो पॉसिबल नहीं है तो आप प्लेन मिल्क विद शतावरी ले सकते हो आई यूज टू मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रोटीन पाउडर सजेस्ट किया था बिकॉज आई वॉज अ वेरी अंडर वेट मदर सो आई टू हैव प्रोटीन पाउडर विथ शतावरी इन इट एंड आइज टू कंज्यूम दैट किसी को बॉनवीटा पसंद है प्रीफरेबली अवॉइड एनी काइंड ऑफ अ चॉकलेट ड्रिंक बिकॉज उसका कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है बट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है यू कैन गो हैड हैविंग दैट एंड उसके बाद यू गो ऑफ टू स्ली पूरी रात यू नीड टू कंज्यूम कीप कंज्यूमिंग योर वाटर आप आपके आसपास फ्रूट्स रख सकते हो अगर बीच रात में कभी बहुत भूख लग जाए तो आप लोग फ्रूट खा सकते हो सो दिस पर्टिकुलर डायट प्लान इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन योर कल्चर डिपेंडिंग ऑन वेर डू यू स्टे डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन आपको कितना हेल्प अवेलेबल है बाकी रूटी आप सारी सब्जियाँ खा सकते हो जैसे भिंडी दोड़का शेवगा ट्रेडिशनली कल्चरल लोग बोलते हैं कि पोटैटो उसके बाद बैंगन ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए नथिंग लाइक दैट बट दिस थिंग्स विल मेक यू पुट ऑन वेट एंड मेक यू फील बिट मोर कॉलिक सो प्रिफरेबली डोंट कंज्यूम दिस थिंग्स अ लॉट लेस यू कंज्यूम इज ऑलवेज बेटर फॉर यू सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस बोथ द पार्ट यस दिस वीडियो हैज़ बीन अ लिटल लॉन्ग वीडियो बट आई वॉन्टेड टू गिव यू अ वेरी डिटेल डायट अबाउट योर पोस्ट डिलीवरी कंजम्पशन ऑफ योर फूड और इतना डिटेल में मुझे देना था कि अगर आपके आसपास हेल्प भी नहीं है तो आप खुद का खुद डायट मैनेज कर सको सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इट्स नॉट द इलनेस इट्स मेकिंग अ हेल्दी चॉइसेज एंड लिविंग अ हेल्दी रूटीन स्टे हैप्पी स्टे कनेक्टेड कीप वॉचिंग माई दुजा डू सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन थैंक यू सो मच एंड बाय